हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वीडियो में बात करेंगे ब्रू स्टोरी ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में, जो कि ये वाली मुझे क्रिएटिव हैंड मटेरियल ने भेजी थी। मैंने आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा तो वो मेरे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सरजोशी ब्लॉग्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको दिखाया था किस तरह से मुझे पार्सल आया था, और उसमें पेपर भी आए थे ब्रू स्टोर के, जो कि ये वाले हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी पेपर होता है, रफ पेपर होता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल्स के बारे में, जो कि ब्रू स्टोर की है, और इसका गिव अवे भी करेंगे। तो ये आप में से किसी एक को मिल जाएगी तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आपको करना क्या है अगर आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह की पेंसिल है ये कुछ इस तरह का बॉक्स है ब्रू स्टोर ग्रेफाइट पेंसिल्स का। 12 ग्रेड्स की 12 पेंसिल्स हैं इसमें, 10B से लेके 2H तक। सो अब इसको ओपन करते हैं। अब पेंसिल को निकालते हैं बाहर, तो निकल जाए पेंसिल। ओ, केस है इसमें मेरे को लगा ऐसी डाल रखी है। तो गाइस, ये कुछ इस तरह की लुक है इन पेंसिल्स की। ब्लैक कलर की हैं, फाइबर कैस्टल की जो चीप पेंसिल्स होती हैं 40 रुपीज़ वाली, उसी तरह की लग रही हैं लुक वाइज तो, और हाथ में पकड़ने में वैसी लग रही हैं। तो ये है 2H, तो अच्छे से इसका ग्रेड दिख नहीं रहा 2H, जो कि सिल्वर कलर में इस तरह से है, ब्रू स्टोर लिखा हुआ है इस पर आर्टिस्ट। सो यही है गाइस, लुक वाइज तो कुछ ऐसी हैं। तो एक बार अब इनसे शेड करके देखते हैं। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 2H पेंसिल, जो कि सबसे ज़्यादा लाइट है इसमें, तो काफ़ी लाइट शेडिंग हो रही है इससे। तो अब उससे थोड़ी डार्क ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ H, तो ये थोड़ी ज़्यादा डार्क है उससे। अब यूज़ कर रहा हूँ HB ग्रेड की पेंसिल, तो ये इनसे भी ज़्यादा डार्क है। तो ये कुछ ऐसे है 2H, H, HB, B, और ये है 4B ग्रेड, तो 4B भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 7B, तो 7B भी काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट लग रही है ये शेड करने में। फैबर कैसल की जो चीप पेंसिल है वो इतनी डार्क नहीं है जितनी ये है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B, तो 7B और 8B मुझे सेम ही लग रही है। अब यूज़ कर रहा हूँ डार्केस्ट, जो कि है 10B, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही है मुझे। सो हाँ गाइज, ये भी काफ़ी अच्छी डार्क पेंसिल है 10B। शेड वगैरह तो करके दिखा दिया मैंने वो किस तरह से इनकी ग्रेड है, डार्क है। तो अब एक आई ड्रॉ के देखते हैं रियलिस्टिक किस तरह से ड्रॉ हो पाती है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 10B पेंसिल, जो भी डार्क एरियाज उनको थोड़ा डार्क करने के लिए। सिंपली अभी तो इसी पेंसिल का यूज़ करके जो भी डार्क एरियाज हैं उनको ऑप्ट कर लेता हूँ। अब लाइट शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको रियल टाइम में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रियल टाइम में मुझे इसको ड्रॉ करने में 1 घंटा लगा था पूरा, और वैसे भी मैंने आई ड्राइंग पे ऑलरेडी 212 बना के किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह की पेंसिल्स हैं। तो अभी मैं लाइटली शेड कर रहा हूँ 2B का यूज़ करके, तो अच्छे शेडिंग तो हो पा रही है। बट गाइज, एज यू कैन सी कि उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है इतनी टोम्बो की होती, जो कि मैं यूजली यूज़ करता हूँ, उसमें शेडिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, बट इसमें वैसा नहीं है। बट हम ब्लेंड करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी डार्क एरियाज है उसमें सब में ब्लेंड कर देते हैं। तो पेपर स्टम का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। नाउ यूजिंग अगेन 2B पेंसिल, तो जो भी डार्क एरियाज है उनको ऑप्ट कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आपको आती है टेक्निक्स ड्रॉ करना तो आप किसी भी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक सिंपल 2 रुपये वाली पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल डॉम्स नटराज की किसी भी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, वो तो स्किल्स पर मैटर करता है। बाय द वे, जो प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनसे काफ़ी जल्दी होती है ड्रॉ करने के लिए, इसीलिए मैं उनको यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं और डार्क करने के लिए यहाँ पर फिर से मैं 10B का यूज़ कर रहा हूँ, तो इनमें शेड कर देते हैं और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। और आई लेसिस के लिए मैं वही 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ,
और सिंपली ऊपर की तरफ डायरेक्शन में हमने स्ट्रोक्स लगाने हैं। नीचे वाले आईलैशेस भी ऐसे ही ड्रॉ करने हैं बस इसी तरह से। तो गाइस ये हमारी कुछ आई ड्रॉ हो चुकी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सो गाइस एक आई तो मैंने ड्रॉ कर लिया ब्रू स्टोरी ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करके। अब मैं बाकी जो सेकंड आई है और आईब्रोज वगैरह अपनी आर्ट लाइन की पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगा और मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करके, क्योंकि वो पेंसिल फिर ख़त्म हो जाएगी तो गिव अवे का फ़ायदा क्या है। थोड़ी सी मैंने इतनी सी आई ड्रॉ की है। बाय द वे मैंने आपको दिखा दिया है कैसी पेंसिल से कैसी इनसे शेडिंग हो पा रही है। डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलो अब जल्दी जल्दी सेकंड आई भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो गाइस दोनों आई कंप्लीट हो चुकी है। एक में मैंने ब्रू स्टोरी ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ किया और एक में मैंने आर्ट लाइन और मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ किया। तो देख लो कुछ इस तरह की लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं दोनों आईज। बाय द वे मैं आपको दिखा देता हूँ पेंसिल्स कितनी शार्प हुई है। तो ओनली 10 भी ही शार्प हुई है ज़्यादा, क्योंकि डार्क एरियाज को ऑप्ट करने के लिए, बाकी तो पूरी पूरी की पूरी पड़ी हैं सारी। तो ये आप में से किसी एक को मिल जाएंगी। तो गाइस पेंसिल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और 10B 8B और 7B भी है जो कि ऑलमोस्ट मुझे सेम ही डार्क लगी। इनका प्राइस अराउंड 300 रुपीज़ है, मैंने अमेजोन पे चेक किया तो 300 में ये 12 पेंसिल्स मिलती हैं। और इसमें जो ग्रेड लिखी हुई थी ना 2H HB 6B, वो अच्छे से दिख ही नहीं रही थी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखा, मतलब अच्छे से दिख ही नहीं रहा था कौन से ग्रेड की पेंसिल है, तो वो इम्प्रूव करना चाहिए था। बाय द वे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स है, बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अब गिव अवे की बात करते हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस आपने इस वीडियो पे कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैं रैंडमली एक कमेंट चूज़ करूँगा कमेंट पिकर वाली साइट से और वो विनर होगा, और मैं अपने व्लॉग वाले चैनल पे 7 तारीख को मैं चूज़ करूँगा तो उस पर डाल दूँगा। कोई पर्टिकुलर वीडियो तो बना नहीं सकता मैं इस चैनल पे कि कौन है विनर, क्योंकि इस पे तो मैं ड्राइंग रिलेटेड डालता हूँ, आर्ट रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। तो मेरे व्लॉग वाले चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 7 तारीख को मैं चूज़ करूँगा और दिखा भी दूँगा किस तरह से मैं सेंड कर रहा हूँ पैक करके। काफ़ी लोग बोले फेक है, फेक नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूंगा मेरे व्लॉग वाले चैनल पे किसी व्लॉग में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।